नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। गोरखपुर में माफिया प्रदीप सिंह की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने शुरू कर दी थी। माफिया के करीब 12 करोड़ के मकान और जमीन को जब्त कर लिया गया है। मलहीपुर निवासी प्रदीप सिंह और ब्लॉक प्रमुख रहे सुधीर सिंह से पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में नाम शामिल किया था। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर के एक मामले में प्रदीप की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ही प्रशासन ने प्रदीप की संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया। प्रतापगढ़ में चोरों का आतंक लगातार बरकरार है। चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। जहां दो दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई, कीमती सामान समेत नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कपड़े और किराना की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं पुलिस ये लगातार कहती है कि वो रात में गश्त करती है, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस की गश्त की पोल खुल गई है। लगातार चोरी की घटनाओं से इलाके में दहशत है। जेठवाड़ा थाना के नवोदय विद्यालय के पास की घटना। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के ग्राम हजरतपुर गांव की रहने वाली पीड़ित शरणदीप कौर ने सूबे के मुख्यमंत्री और रामपुर के एसपी शगुन गौतम को डाक रजिस्ट्री कर शिकायती पत्र देकर गांव के ही कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो अपने खेतों पर जाती है तो गांव के ही कुछ लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पहले भी उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें हत्या आरोपी जेल में बंद है और उन्हें सजा होने वाली है। अब घर पर वो और उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्हें जान का खतरा है। ऐसी धमकी लगातार मिल रही है, जिसको लेकर उसने न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन जिस तरह से प्रतापगढ़ में हत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए योगी सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। प्रतापगढ़ कुंडा के पिरानगर निवासी सचिन मिश्रा उर्फ अंशु की 24 मई को देर रात ग्राम बरईपुर नवाबगंज बारात में डीजे पर डांस को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद सचिन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिवार वालों ने पूर्व प्रधान के बेटे पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी है। रामपुर में आम आदमी पार्टी के कैंप कार्यालय पर आज प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला और उनकी टीम ने बिलासपुर के समाजसेवी और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी निर्मल सिंह बाजवा को अल्पसंख्या प्रकोष्ठ बिलासपुर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। निर्मल सिंह बाजवा को यह जिम्मेदारी स्वीकृत सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने दी है और कहा है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, ताकि गरीब मजलूमों के साथ पार्टी का पदाधिकारी साफ खड़ा रहे। बरेली जिले में साल भंडारण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार की योजना के अनुसार हर घर फ्री राशन पहुंचे, जिसके चलते राज्य भंडारण निगम ने बरेली मंडल में इस साल पिछले कई वर्षों के मुकाबले कई गुना ज्यादा भंडारण किया है। राज्य भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस साल 4,80,000 टन राशन का भंडारण किया गया। फ्री राशन दिए जाने की वजह से इस बार भंडारण भी अधिक हुआ है और राज्य भंडारण निगम बरेली उसके रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बाराबंकी में 48 घंटे के अंदर 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा किया गया है। नामजद आरोपी ही बच्ची का हत्यारा निकला। गलत करने की नीयत से आरोपी ने बच्चे को अगवा कर बच्चे के शरीर को तहस नहस किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। सफदरजंग पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपी को जेल भेज दिया है। रामपुर के बिलासपुर के खुफिया नगला गांव में बाबा गुरदीप सिंह की मौत के बाद उनकी अरदास में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए और कहा कि गूंगी बहरी सरकार किसानों के आंदोलन की गूंज सुनाई नहीं दे रही है, ना इस ओर दिखाई दे रहा है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक केंद्र सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक विरोध जारी रहेगा। अगली सरकार इस देश में किसान बनाएगा। बरेली के भुत्ता थाना क्षेत्र में एक मुख बाधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। हत्या के मामले में एक साल से फरार चल रहे 25,000 के नामिया अभियुक्त को सोनवा और भिंगा की संयुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। वृंदावन में मोबाइल हैक कर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें हैकरों ने पीड़ित को मैसेज कर लालच देकर खाते से 1,30,000 रुपए उड़ा दिए।
पीड़ित अपनी शिकायत लेकर वृंदावन थाने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि यह घटना 31 मई की है, जब उनके पास फोन की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर एक मैसेज आया और पीड़ित ने उस मैसेज के लिंक पर क्लिक कर दिया। थोड़ी देर बाद पीड़ित के पास बैंक खाते से पैसे कटने के लगातार मैसेज आते रहे। पीड़ित जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके खाते में से 1,30,000 रुपए कट चुके थे। पीड़ित की शिकायत लेकर वृंदावन कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके में एक पिता के तमंचे से चली गोली उसकी बेटी को लग गई, जिससे वो घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी से झगड़ने के बाद युवक आत्महत्या करने के लिए खेत पर तमंचा लेकर पहुंचा था। बरेली में प्रधानी चुनाव में बिरादरी के लोगों के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण हुई करारी हार के चलते प्रधान प्रत्याशी ने धर्म परिवर्तन करने का ऐलान कर दिया। धर्म परिवर्तन की बात सुनते ही बीजेपी के स्थानीय नेता उसे मनाने उसके घर पहुंच गए, जहां बीजेपी नेताओं और गांव वालों के साथ घंटों पंचायत चली। मामला बरेली के भतपुरा ब्लॉक के ठीरिया बन्ना जान गांव का है। संभल की रजपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली सीमेंट से लदी कैंटर पकड़ी। पुलिस के अनुसार सीमेंट व्यापारी ग्रामीण इलाकों में नामचीन कंपनी की नकली सीमेंट बनाकर बेचा करते थे। बुधवार को पुलिस ने रजपुरा कस्बे में सीमेंट व्यापारी मदन कुमार के यहां खपाई जा रही 260 बोरों से लदी नकली सीमेंट की कैंटर धर दबोची है। साथ ही साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बीजेपी नेता ने समर्थकों संग हमला कर दिया। भाजपा नेता ने पुलिस टीम का घेराव कर हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से छुड़ाकर भगाया। बीजेपी नेता नारायण सिंह ने सैकड़ों समर्थकों संग पुलिस का घेराव कर दिया। मारपीट हत्या के प्रयास में वांछित हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस की टीम पकड़ने गई थी, लेकिन पकड़ ना सकी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।